हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा डीबीएमएस का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे रिलेशनल एलजेब्रा। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिलेशनल एलजेब्रा क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, और उन सारे ऑपरेशंस में से मैंने चार ऑपरेशंस एक्सप्लेन किए थे जिसमें सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन और डिफरेंस है। इस वीडियो में बाकी जो तीन ऑपरेशंस है उनको मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट है, नेचुरल ज्वाइन है और उसके बाद रीनेम है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिलेक्शन हम लोगों ने पिछला वीडियो में देख लिया था, प्रोजेक्शन भी देख लिया था, और सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन को कैसे यूज करते हैं कंबाइंडली वो भी हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हमने यूनियन देखा था, डिफरेंस देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसा आप जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से, और चलिए देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कंबाइन द टपल्स ऑफ वन रिलेशन विथ ऑल द टपल्स ऑफ अदर रिलेशन। मतलब क्या है कि अगर एक टेबल के टपल्स को दूसरे टेबल के सारे टपल्स के साथ जब आप कंबाइन कर देते हैं तो उसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कभी कभी बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए एक पहला रिलेशन है, बी आपका दूसरा रिलेशन है, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ए और बी हमारे पास दो टेबल हैं। अगर इन दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, यहां पर इसका पहला टपल या इसका पहला रो इसके पहले रो से कंबाइन होगा, फिर इसका पहला रो इसके दूसरे रो से कंबाइन होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं रिजल्ट में क्या आ रहा है हमारा, 1a4x फिर 1a5z। उसके बाद इसका दूसरा टपल टेबल बी के पहले टेबल से कंबाइन होगा और टेबल ए का दूसरा टपल टेबल बी के दूसरे टपल के साथ कंबाइन होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं 2b4x है और उसके बाद 2b5z है। तो इस तरीके से जब आपका दो टेबल होगा और जब उसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपके रिजल्ट में ये टेबल निकल के आएगा। तो ये टेबल कैसे निकलेगा, पहले टेबल के जो टपल्स हैं वो दूसरे टेबल के सारे टपल्स के साथ कंबाइंड हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद हम आते हैं नेचुरल ज्वाइन में। चलिए देखते हैं नेचुरल ज्वाइन में क्या है। तो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय आर क्रॉस एस। बस यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो क्रॉस है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। यहां पर क्रॉस में इधर आपको लेफ्ट और राइट में आपको लाइन देना है, वेयर आर एंड एस आर द रिलेशन। तो ठीक है भाई, बाइनरी ऑपरेशन है वो तो हमें पता ही है, पर ये नेचुरल ज्वाइन करेगा क्या। तो यहां पर लिखा हुआ द रिजल्ट ऑफ द ज्वाइन ऑपरेशन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टपल्स फ्रॉम बोथ द रिलेशन दैट आर इक्वल ऑन कॉमन एट्रीब्यूट नेम। तो यहां पर अगर आप इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो यहां पर इस लाइन में ये नेचुरल ज्वाइन डिफरेंट हो जाता है। मतलब ये है कि दो रिलेशन को आप ज्वाइन तभी कर सकते हैं, दो रिलेशन को नेचुरल ज्वाइन आप तभी कर सकते हैं जब उनके बीच में कॉमन एट्रीब्यूट हो, एक कोई कॉलम ऐसा हो जो दोनों में कॉमन हो, तभी जाके आप नेचुरल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और नेचुरल ज्वाइन में क्या डिफरेंस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी दो टेबल में हो सकता है, चाहे उन दोनों टेबल में कोई भी कॉलम आपस में कॉमन हो या नहीं हो, बट नेचुरल ज्वाइन उन्हीं दो टेबल में होगा जिन टेबल्स में कम से कम एक कॉलम तो कॉमन होना ही चाहिए। जैसे यहां पर देख रहे हैं हम आर और एस को नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें कि कॉमन कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आर टेबल में इम्प्लॉय आईडी है और डिपार्टमेंट है, और एस टेबल में डिपार्टमेंट है और मैनेजर है। तो दो कॉलम, और आर में भी दो कॉलम है। तो ये नेचुरल ज्वाइन कैसे होगा, जैसे यहां पर पहला टपल है वन आर आई टी, इसका मतलब ये दूसरे टेबल के उन्हीं टपल्स के साथ कंबाइन होगा जिसके डिपार्टमेंट में आईटी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये वाला जो है कंबाइन होगा इस वाले टपल के साथ। तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, वन आईटी और एबीसी। तो
तो ये आपका पहला रिजल्ट आ गया। उसके बाद ये पहला टपल सेकंड के साथ कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये जो पहला टपल है सेकंड के साथ नहीं कंबाइन होगा, क्योंकि यहां पर आईटी है और यहां पर मैनेजमेंट है, और सेम चीज जो है वो एचआर के साथ भी होगा, ये कंबाइन नहीं होगा क्योंकि यहां पर आईटी और एचआर है। उसके बाद इसका सेकंड टपल जो है सबसे पहले कंपेयर करेगा इसके फर्स्ट टपल के डिपार्टमेंट से, पर ये जो है सेम नहीं है तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। अब ये सेकंड टपल के साथ कंपेयर करेगा तो ये सेम है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा टू मैनेजमेंट और एक्स वाई जेड। उसके बाद मैनेजमेंट जो है वो एचआर के साथ कंपेयर होगा तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल ज्वाइन। तो ज्वाइन में क्या होना चाहिए कि दोनों टेबल में कोई भी एक कॉलम ऐसा हो जो कॉमन होना चाहिए, क्योंकि इसी कॉलम का जो वैल्यूज है वो मैच होके आपस में कॉम्बिनेशन होगा, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में डायरेक्टली हर एक रो दूसरे टेबल के हर एक रो के साथ कंबाइन हो जाता है, कोई भी कंडीशंस चेक नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सबसे आसान ऑपरेशन है रीनेम, जिसको कि हम रो से डिनोट करते हैं। तो रीनेम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका कोई रिजल्ट है तो उसको भी आप अपना नाम दे सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है, द रिजल्ट ऑफ ए रिलेशनल एलजेब्रा कैन बी नेम्ड बाय यूजिंग रीनेम ऑपरेशन। जो भी आपके रिलेशनल एलजेब्रा का रिजल्ट आ रहा है उसको आप नेम दे सकते हैं रीनेम ऑपरेशन के थ्रू। जैसे यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हमने रो लिखा है, ठीक है, उसके बाद यहां पर हमने एक रिलेशनल एलजेब्रा लिखा है, तो इस रिलेशनल एलजेब्रा का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है, इस रिलेशनल एलजेब्रा का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, तो वो जो रिजल्ट आएगा उसको हम किस नाम से जानेंगे, ईएमपी अंडरस्कोर सेल। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक अलग रिलेशन में चला जाएगा, और उस रिलेशन का नाम क्या होगा, ईएमपी अंडरस्कोर सेल। तो इट इज ऑल्सो यूज टू रीनेम द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। और यहां पर ये तो क्या हो गया कि आपके एक रिलेशनल एलजेब्रा का रिजल्ट आया और उसको आपने रीनेम कर दिया, पर यहां पर आप अपने टेबल के कॉलम्स को भी रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हैं, रो आपने लिखा और उसके बाद आपने लिखा सेल ऑब्लिक सैलरी और उसके बाद टेबल का नाम, तो यहां पर क्या होगा, द एट्रीब्यूट सैलरी इज रीनेम्ड एज सेल। तो यहां पर क्या होगा, आपके टेबल में जो सैलरी कॉलम था उसका नाम चेंज होके क्या हो गया, सेल, उसको आपने रीनेम कर दिया। तो इस तरह से आप जो है किसी रिजल्ट को रीनेम कर सकते हैं, किसी टेबल को रीनेम कर सकते हैं, या फिर किसी टेबल के किसी कॉलम को भी आप रीनेम कर सकते हैं, उसके लिए आपको रो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आपने देखा कि किस तरीके से जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट काम करता है, नेचुरल ज्वाइन काम करता है और रीनेम काम करता है। इस तरह से रिलेशनल एलजेब्रा के सारे ऑपरेशन मैंने आपको एक एक करके बता दिया, इसमें से आधे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था और आधा हमने इस वीडियो में बताया। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।